एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 की फिजिक्स के क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि आज हम लोग जो है फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले क्लास में हमने आपको हर एक चैप्टर से कितने कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं उन चैप्टर के बारे में बता दिए थे। आज हम जो है पहले खंड ख के सबसे पहले चैप्टर के बारे में बताएंगे, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। आपको स्थिर वैद्युतिकी के में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेशन की विधियां क्या होती हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कूलाम के नियम को पढ़ना है, फिर उसके बाद वैद्युत छेद पढ़ना है, फिर वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, फिर सतत आवेश वितरण पढ़ना है, फिर उसके साथ साथ अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो पढ़ना है, फिर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखोगे समान वैद्युत क्षेत्र में, उस पर बल क्या लगते हैं और बल युग्म क्या लगते हैं वो पढ़ना है। और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं हर एक प्रश्न को बताने का प्रयास करेंगे, और हर एक संडे को जो है हर एक मॉडल पेपर फिजिक्स का सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी आवेश को रखते हैं और उस आवेश को रखकर उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहली टॉपिक आती है कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। अब आप देखिएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं कि जैसे हम, ये आपका मार्कर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, मार्कर हो गया। इस मार्कर को किसी सूखे बालू से हम लोग क्या कर दें, रब्ड कर दें, सूखे बालू से रगड़ दें, तो इस मार्कर पर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण यह छोटी 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 कणों को अपनी ओर क्या कर लेता, आकर्षित कर लेता है या प्रतिकर्षित कर देता है। वो आपके क्या कहलाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आइए देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि एक कांच की छड़ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ और एक सूती वस्त्र ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक सूती वस्त्र ले लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इस जब कांच की छड़ को सूती वस्त्र से रगड़ते हैं, क्या हमने कहा, जब कांच की छड़ को सूती वस्त्र से रगड़ते हैं तो इस कांच के छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इस कांच को जब छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो ये कांच के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। आपने क्या कहा भैया, इन दोनों को हम लोगों ने कहा रगड़ने पर, जब इन दोनों को रगड़े और रगड़ने के बाद इस कांच को जो है छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आए तो ये छोटे छोटे टुकड़े इनको क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए, तो कांच पे यह आया गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आइए, अगर ये एग्जाम्पल आपको न समझ में आए हो तो हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, जब कंघे का उपयोग करते हैं, कंघा क्या होता है, कंघे जिस कंघे से आप लोग बाल झाड़ते होंगे उस कंघे को लीजिएगा, और उस कंघे को चलिए हमने आपके सामने एक कंघा बना देते हैं, जब इस कंघे को सूखे बालों से क्या करते होंगे, रगड़ देते होंगे, और रगड़ने के बाद जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये कंघा छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो कंघे पे आया यह गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। बात समझ में आया। अब हम लोग डिफिनीशन क्या देंगे वैद्युत आवेश की, तो देखिएगा यहाँ दो बल लग रहे हैं, एक बल का नाम है आकर्षण और एक बल का नाम है प्रतिकर्षण, एक बल का नाम है आकर्षण और एक बल का नाम है प्रतिकर्षण। तो आकर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव, क्या कहते हैं, आकर्षण को वैद्युत प्रभाव और प्रतिकर्षण को जो है, सॉरी, आकर्षण जो होता है आपका चुंबकीय प्रभाव और प्रतिकर्षण क्या होता है, वैद्युत प्रभाव। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न हो जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। बात समझ आए, वैद्युत आवेश क्या होते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न हो जाते हैं वो आपके वैद्युत आवेश कहलाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ दो बल लग रहा है, एक आकर्षण बल होता है, एक प्रतिकर्षण बल।
अब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के आधार पे आवेश को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में, एक हो गया धन आवेश, एक क्या हो गया? ऋण आवेश। चलिए हम लोग इसको अगर आप लोग विद्युत आवेश के बारे में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। विद्युत आवेश क्या होते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक क्या होता है? ऋण आवेश। दूसरा क्या होता है? धनावेश। और पहला एक धनावेश, दूसरा क्या हो गया? ऋण आवेश। आइए हम लोग जान लेते हैं कि धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। धनावेश क्या होते हैं कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपने क्या लिया कि कोई पदार्थ ले लिए और वो पदार्थ 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन से मिलकर बना था। एक कोई दूसरा पदार्थ ले लिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन से मिलकर बना था। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा तो रगड़ने के बाद आपने देखा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर स्थानांतरण हो गए और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस पे चले आए, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिन पदार्थों पे आए हैं, इन पदार्थों पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता हो गई, तो ये ऋण आवेश हो गए। ये इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये धन आवेश हो गए। यानी हमको यहाँ से क्या मिला कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धन आवेश कहलाते हैं, अर्थात जिन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो आपके धन आवेश कहलाते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऋण आवेश कहलाते हैं। हम इसकी डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होता है? आपका ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक का अध्ययन करते हैं कि आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आवेश के गुण क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। आवेश के गुण क्या होते हैं? सबसे पहली बात कि आवेश को हम लोग जो है किससे व्यक्त करते हैं चलिए आवेश को क्यों से व्यक्त करते हैं? इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, किसी पदार्थ में तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि किसी पदार्थ में अगर हमको आवेश की मात्रा ज्ञात करनी हुई तो किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन ई होता है। ठीक, क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन ई होते हैं, जहां क्यू क्या होता है? आवेशों की मात्रा होती है, एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। लिख देते हैं, एन क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और
ई क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। और क्यू क्या होता है? आवेश की मात्रा होती है, आवेश की मात्रा होती है। ठीक, अभी आवेश के कुछ अवगुण हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवेश के गुण में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इसका चौथा नंबर प्रॉपर्टी, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। कई बार प्रश्न में पूछा गया है आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको चाहो तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आवेश के क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि आवेश के क्वांटीकरण क्या होते हैं। तो आपको जो है दो चीज से आप आवेश के क्वांटीकरण को व्याख्या कर सकते हैं, अर्थात जो आपका आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, या हम कह दें आवेश जो है पैकेट और बंडलों के रूप में प्राप्त होते हैं, पैकेट और बंडलों के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे आप लोग जो है माचिस की तिलियां देखते होंगे कि जैसे एक तिलियां होती हैं, वैसे उसी के जैसी हर एक तिलियां उसमें पाई जाती हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। अर्थात आप समझिएगा कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश होंगे वो या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, पर कभी 1/2, 3/2, 4/2 ई नहीं पाए जा सकते हैं। अर्थात इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा आवेश, आवेश पैकेट, पैकेट या बंडलों के रूप में, के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अथवा क्या लिख सकते हैं, अथवा आवेश इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं, जहां Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। क्यों बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, यानी किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के, किसी भी पदार्थ में जो आवेश पाए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज का मतलब होता है। जैसे एक ही, दो ही, तीन ही के पदों में पाए जा सकते हैं, कभी जो है आपके जो है 1/2, 3/2 का मतलब नहीं होगा। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे क्या होता है, या इस फार्मूले पर एक दो सवाल का अभ्यास कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है सबसे पहला प्रश्न है भैया आप लोगों का कि किस 8 कूलाम ऋण आवेश में, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, 8 कूलाम ऋण आवेश में, ऋण आवेश में उपस्थित, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले ये आप इस सवाल को लगा लेंगे इम्पॉर्टेंट, एक नंबर के प्रश्न पूछा गया है 2017 या 18 में पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 8 कूलाम ऋण आवेश में, यानी क्यू का मान दे दिया गया है 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और ई, ई तो हम जानते हैं 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण से आप किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा का फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। आपको यन काउंट करने हैं तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, एन ई पद इधर ला देते हैं, क्यू को इधर कर देते हैं, एन बराबर क्या हो गए, ई इधर जाएंगे तो गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो एन बराबर क्या हो गए, क्यू बटे ई। आइए अब क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है आपका 8 और ई गुलाम रख दीजिएगा, ई, ई कितना है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, सी कूलाम कूलाम से कैंसिल हो गए, ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे एक लगाओगे, आगे एक अंक है तो 10 उतर गए, और इस 10 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे तो 10×8
बटे कितना हो गया 16, और ये 10 घाते माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। अब देखिएगा 8 इक्के 8, 8 दूनी 16, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, तो कितने आ गए 5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही थी वो कितने आ गए 5 गुणे 10 घाते 19। ये है आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु को, इसी फार्मूले पर रिलेटेड है, किसी वस्तु को 5 गुणे 10 घाते माइनस, किसी वस्तु पर 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश है, ठीक। अब इस पे क्या कर रहा है, तो उस पे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जरा सा सवाल में गलती है, ऋण आवेश न होके कह रहा है किसी वस्तु पर इतना धनावेशित है, क्या है धनावेशित है, तो है तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि धनावेशित है, तो धनावेशित होने का मतलब है कि उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, यानी उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए कि उस पदार्थ पे इतना धनावेशित आ गया। तो आइए, ये आपको क्या दिया गया है, क्यू बराबर 5 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, एन पूछा है, पूछे है ना कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, और ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, तो एन बराबर फार्मूला क्यू बटे ई, क्यू का मान कितना है 5 गुणे 10 घाते माइनस 19, और ई का मान है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, कूलम कूलम से 19, 10 पावर माइनस 19 से कैंसिल, ये पॉइंट उतारे नीचे और यहाँ मल्टीप्लाई किए 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई 5 अपान कितना आ गया 16, 5 टू जा 10 हो जाएंगे, या तो आप क्या करिएगा, कितने आए थे 10 इंटू 5 अपान कितने आ गए 16, तो 10 पचे 50 बटे कितने हो गए 16, भाग दे दीजिएगा तो 16 तिया कितना आ जाएगा 48, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, बचे आपके 2 पॉइंट लगाए 16 के 16, ठीक। लगभग हम कह सकते हैं कि n बराबर कितने आ गए 3.1 इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि वहां पर आपके 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिए गए, तो उस पदार्थ पर इतनी धनावेश, इतना धनावेश आ गया। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बस अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, पर अब अगले क्लास में जो है पूरे इस चैप्टर से जितना थ्योरी पोर्शन है, जितना हमने यहाँ पर लिखे थे, हर एक टॉपिक के बारे में और हर एक टॉपिक के आधार पे जितने न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे बोर्ड पेपर में पूछे गए होंगे, हर एक प्रश्न को बता दिए जाएंगे। आप लोग जो है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।